हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये वाव का बॉडी बटर। इसका मैं आज आपसे रिव्यू शेयर करूंगी। तो पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, ये देखिए। और इस पे सारी चीजें इसकी मेंशन है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है या इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एंड एवरीथिंग। और इस तरह से इसकी ये जो पैकेजिंग है, इनर पैकेजिंग, ये देखिए, ये इस तरह की पैकेजिंग में एक प्लास्टिक का कंटेनर है। ये देखिए इसकी पैकेजिंग इसको बहुत ही डिफरेंट और लग्जूरियस बनाती है। देखिए ये बहुत ही डिफरेंट है। और जितनी चीजें कार्डबोर्ड पे मेंशन है वो सारी चीजें इस पे भी मेंशन है कि इसे किस तरह यूज करना चाहिए, क्या इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं और किस शेल्फ लाइफ। यहाँ अगर आप, ये भी इसका बेनिफिट है अगर आप इस आउटर पैकेजिंग को फेंक भी देते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं, हर एक की पैकेजिंग उठा के नहीं रख सकते। तो इस तरह से अगर इसी के ऊपर मेंशन है तो फिर हमें इजी हो जाता है कि ये प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या है, तो हम इजिली उस पर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब विंटर आ गई है तो हमें इस तरह के बॉडी बटर की इनिशियली बहुत ही जरूरत होती है। हमें अपनी स्किन केयर रूटीन में इसे ऐड करना चाहिए, बिकॉज बॉडी बटर इज अ थिक कंसिस्टेंसी। अगर हम बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद स्किन से फेड आउट हो जाता है, तो हमें इसे दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी होती है। तो ये बात है कि वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी बटर की कंसिस्टेंसी थिक होती है लाइक अ बटर। ये हमारी स्किन पे काफी देर तक टिका रहता है और मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, तो इसे हमें दोबारा रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बॉडी बटर इज अ मस्ट इन्ग्रीडियंट टू यूज इन विंटर। तो अब बात करते हैं इसके इन्ग्रीडियंट की। इसके अंदर की इंग्रेडिएंट हैं कुकुमा बटर एंड कुपुआशु बटर एंड प्रोविटामिन B5 फॉर लश वेलवेटी सॉफ्ट स्किन। और अब बात करते हैं इसके अदर इंग्रेडिएंट्स की जो कि इसके ऊपर की मेंशन है, ये आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये देखिए आप इसके ऊपर ये सारे इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है। इसे आप अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, इसका प्राइस इस पे मेंशन है 399 रुपीज, और मैंने ये purple.com से लिया था तो मुझे ये 198 आई थिंक का पड़ा था, मुझे 198 का पड़ा था। तो वहां पे उस टाइम डिस्काउंट और सेल चल रहा था। अभी मैंने ये पर्पल हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वहां से क्या क्या परचेज किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस वहां पे पर्पल पे इस पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है वाव के प्रोडक्ट्स पे। मैंने वाव के 2-3 प्रोडक्ट्स वहां से खरीदे हैं इस बार, तो मुझे वाव के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वहां से चेक कर सकते हैं, और ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट यहां से भी मिल जाएंगे। तो आपको जहां से कंफर्टेबल हो आप वहां से बाय कर सकते हो। और इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है 200 ml। फ्रेंड्स, जैसा कि इस पे मेंशन है, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल एंड नो कलर, इट इज अ विच इज अ गुड थिंग। अब बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स की, कि इसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह से डिफरेंट है अदर बॉडी बटर्स से। फ्रेंड्स, इस पे मेंशन है टुकुमा बटर, और मैं आपको बता दूं टुकुमा बटर इज कोल्ड प्रेस्ड फ्रॉम द सीड ऑफ टुकुमा पाम ट्री, और ये ट्रीज ब्राजील में पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, और इसमें अलॉट ऑफ फैटी एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मॉइस्चर भी करता है, जिससे हमारी स्किन सपल एंड यंग बनती है। यह हमारी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, जिससे स्किन का हाइड्रेशन लेवल बढ़ जाता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाकर उसे यूथफुल बनाता है। इट इज अ वर्सिटाइल, इसे स्किन के साथ साथ हेयर्स के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज अ वेरी बेनिफिशियल बटर। फ्रेंड्स, इसका सेकेंड इन्ग्रीडियंट है कुपुआशु बटर। कुपुआशु बटर एक कुपुआशु नाम के फ्रूट्स से बनता है, जैसे कि द किंग ऑफ सुपर फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इस बटर की मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी अदर बटर से बहुत ज्यादा है। ये स्किन को 8 घंटे तक मॉइस्चराइज रखता है। इसकी एप्लीकेशन के बाद इसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी से इसे अदर बटर से 4 टाइम मोर इफेक्टिव बनाती है। इसकी मॉइस्चराइज प्रॉपर्टी स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाती है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है, ब्लेमिशेस एंड इंजरी को ट्रीट करती है। यह स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, जिससे यूवी रेस से होने वाले डैमेज से स्किन प्रिवेंट रहती है। तो इसका अमाउंट और इसका वेट होता है उससे ये 4 टाइम वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड, सपल एंड ग्लो लगती है। देन अगला इन्ग्रीडियंट इसमें है प्रोविटामिन B5। विटामिन B5 नेचुरली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एंटी एजिंग
क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये आपका एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट का भी काम करता है। यह माइनर स्किन इरिटेशन से लेकर मेजर स्कार डैमेज तक को भी ट्रीट करता है, जिसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, तो जिससे हमारे स्किन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाते हैं और हमारे विंटर्स में हमारी स्किन को बहुत ही यूथफुल और ग्लोइंग बना के रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए, ये इसके ऊपर इस तरह की ये लिड आती है, ये मेरी इस पे अंदर लग गई है, इसके ऊपर ये कवर आता है। और ये देखिए, मैं इसको अभी यूज कर रही हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही सूदिंग है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। ये फ्रेग्रेंस मुझे तो बहुत ही पसंद आती है। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है। और इसको अगर आप इसे अप्लाई करके और इसे अप्लाई करते हो तो इजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखिए, और इस पे मेंशन भी है कि इसे किस तरह यूज करना है। जब आप नहाते हो तो नहाने के बाद इसे डैम्प बॉडी पे ही इसे अप्लाई करें, ताकि ये इजिली आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, क्योंकि उस टाइम हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब विंटर्स में हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। देन उसके बाद आप इसे सेमी ड्राई बॉडी पे ही अगर अप्लाई करते हो तो इस तरह से आपकी स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये आपको हल्की सी शाइनी सी लगेगी। बट आफ्टर टू थ्री मिनट्स ये आपकी स्किन में फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है। ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और मुझे तो, मेरी स्किन तो बहुत ही ड्राई है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इसे अप्लाई करने के बाद इवन मैं अगर पानी में भी काम करती हूँ तो भी ये निकलता नहीं है, ये मॉइस्चर लॉक करके रखता है। जिस तरह के इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही यूनिक हैं, उसी तरह इसका काम भी बहुत यूनिक है। मैंने और भी बॉडी बटर यूज किए हैं, बट मुझे ये वाओ का बॉडी बटर बहुत ही पसंद आया, तो इसे डेफिनेटली आप एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा इस विंटर्स में। ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आप भी इसे यूज करके आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो आप इसे जरूर, मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसे डेफिनेटली आप लोगों को एक बार जरूर यूज करके देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी और क्वालिटी अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर दें, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।